नमस्कार, मैं सीए मनमोहन जिंदा फ्रॉम मुंबई। आईबीबीआई वैल्यूएशन एग्जामिनेशन अब आप साल में सिर्फ 6 अटेम्प्ट दे पाए, 2 महीने का कूलिंग पीरियड चाहिए। सर्कुलर नंबर 6 जून 2022। आईबीबीआई जो कि डेजिनेटेड अथॉरिटी है वैल्यूएशन एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए, अंडर रूल 5 ऑफ द कंपनी रजिस्टर्ड एंड वैल्यूअर एंड वैल्यूएशन रूल्स 2017 ने डिसाइड किया है कि अब से किसी भी एग्जामिनेशन के बीच में 2 महीने का कूलिंग पीरियड रहेगा। मतलब अब एक व्यक्ति, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक अदर प्रोफेशनल जो आईबीबीआई वैल्यूअर का एग्जाम पास करना चाहता है, वह साल में सिर्फ 6 अटेम्प्ट दे पाएगा। अभी तक कई बार ऐसी स्थितियां देखी गई थी कि एक कैंडिडेट दिन में 3 बार भी एग्जाम दे रहा था और जल्दी पास करने की कोशिश करता था। सो 6 जून के बाद 3 महीने ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। सो अब आपके लिए एक अच्छा अवसर भी है कि आप 2 महीने की तैयारी के बाद बहुत अच्छी तैयारी के साथ एग्जाम देंगे, परंतु थोड़ा सा सेटबैक भी है कि आपको सिर्फ 6 ही अटेम्प्ट मिलेंगे पास करने। देखें क्या होता है, इससे प्रोफेशन की वैल्यू बढ़ भी सकती है, अच्छे वैल्यूएटर तैयार होंगे, नॉलेजेबल होंगे, परंतु ये मेरा मानना है क्राइटेरिया नहीं है। एक्चुअली सम पर्सन्स आर वेरी वेरी फास्ट एंड सम्स हैव ए लो ग्रास्पिंग कैपेबिलिटी। सो जो हो रहा अच्छा ही हो रहा है। मैं तो ज्यादा कमेंट करने की स्थिति में नहीं हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन। कई लोगों को पता नहीं चल पाता है, तो मेरा प्रयास कि जन जन तक ये सर्कुलर पहुंच जाए। नमस्कार।